में तेरे हम ना रहे जो। एक ऐसी आवाज जो सीधे दिल तक पहुंचे। फिर ले आया मजबूर क्या कीजे। आज के दौर के एक ऐसा सिंगर जो बिना ऑटोट्यून के गाते हो। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अरिजीत सिंह के बारे में। आज के वीडियो में हम आपको दिखाएंगे 2005 में जब वो 18 साल के थे और अब लगभग 36 साल के हो गए, इसके बीच हर साल के उनके आवाज सुनाएंगे। Hi, this is Arijit Singh and you're watching. सबसे पहले 2005 में टीवी पर वो पहली बार नजर आए थे गुरुकुल में। आइए सुनाते हैं जब वो 19 इयर्स के हो गए थे। मितवा खुद से तो ना तू छुपा, मेरे मन ये बता दे तू, बंटगर में प्रेम नगर में आया नजर में, जब से कोई है तू सोचता है तू पूछता है, जिसकी कमी थी क्या ये वही। हाँ ये वही है, हाँ ये वही है, तू एक प्यासा और ये नदी है, काहे कोई अपने को ऐसे तरसाए, जो है कही जो है सुनी वो बात क्या है बता। पहली बार उन्हें 2007 में बॉलीवुड सॉन्ग गाने का मौका मिला। सॉन्ग रिकॉर्डिंग भी हो गया लेकिन बाद में इसे रिप्लेस कर दिया गया। इसे फाइनली के सर गाए। आइए अब सुनाते हैं जब वो 21 इयर्स के हो गए थे। चलिए अब सुनाते हैं जब वो 22 इयर्स के हो गए थे। फिर दूसरी बार उन्हें 2010 में एक सॉन्ग रिकॉर्डिंग का मौका मिला लेकिन बाद में इसे भी रिप्लेस कर दिया गया। फाइनली 2011 में उन्हें पहला बॉलीवुड सॉन्ग गाने का मौका मिला जो मूवी में रिलीज किया गया। So I have this segment of romantic songs. So mostly people say that they make memes and trolls about this. I don't know if you have seen it, man. इंडिया में तो बहुत होता है दिल तोड़ने वाले गाने, और I don't know what, कितना कितना सब adjectives है जो मेरे भी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं दिल नहीं तोड़ता हूँ, बट अभी दिल दिल का बात है, टूट जाता है क्या। जब जब तेरे पास में आया एक सुकून मिला जिसे मैं था भूलता, वो वजूद मिला जब आए मौसम गम के तुझे याद
सहमे तन्हापन से तुझे याद किया। दिल संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। आइए अब सुनाते हैं 2012 के वो सुपर हिट सॉन्ग। फिर ले आया मजबूर क्या कीजे, दिल कह रहा उसे मुकम्मल कर भी आओ। वो जो अधूरी सी बात बाकी है। 2013 में इस सॉन्ग के बाद उन्हें प्लेबैक सिंगर में एक पहचान मिली। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो तुझसे ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो जिंदगी, बस तुम हो चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आश की अब तुम ही हो। आइए सुनाते हैं वो सुपर हिट सॉन्ग जब वो 27 इयर्स के हो गए थे। ढूंढने को जमाने जब वफा निकला, मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला, पता चला कि गलत लेके मैं पता निकला, मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला। चलिए सुनाते हैं जब वो 28 इयर्स के हो गए थे। चलिए अब सुनाते हैं 2016 के वो सुपर हिट सॉन्ग। अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे स्वाद रखना, अंधेरा तेरा मैंने ले लिया, मेरा उजला सितारा तेरे नाम। आइए अब सुनाते हैं 2017 के वो सुपर हिट सॉन्ग। जो तेरे इश्क में बहका पहले से ही, क्या उसे बहकाना ओ जालिमा। चलिए सुनते हैं एक प्यारा सा सॉन्ग जब वो 31 इयर्स क्रॉस कर गए। सो प्लीज 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 डू नॉट एक्सपेक्ट मी टू साउंड एग्जैक्टली लाइक द रिकॉर्डिंग, आई कैन नॉट बिकॉज़ आई टुक 10-15 डेज टू रिकॉर्ड दिस सॉन्ग फॉर संजय लीला बंसाली एंड इट्स नॉट सो इजी, ऑलराइट, सो डोंट जज मी। चलिए अब सुनते हैं जब वो 32 इयर्स क्रॉस कर गए हैं। खैरियत पूछो अभी तो, कैफियत पूछो तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है, दिल मेरा देखो ना मेरी हैसियत पूछो तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। आइए सुनते हैं 2020 का वो सुपर हिट सॉन्ग। मिलो मुझे कहीं पे गुम शायद। आइए सुनाते हैं 2021 का वो सुपर हिट सॉन्ग। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके। चलिए अब सुनाते हैं 2022 का वो सुपर हिट सॉन्ग। केसरिया तेरा इश्क है पिया।
आइए अब सुनते हैं 2022 का वो सुपर डुपर हिट सॉन्ग। जो पठान मेरी जान महफिल ही लुट जाए। तो दोस्तों ये था अरिजीत सिंह का संगीत सफर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे मजेदार वीडियो बनाते रहेंगे। और दोस्तों कमेंट्स जरूर करिएगा कि अगला वीडियो आप किस सिंगर का देखना चाहते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।